कवि अरुण शर्मा। नमस्कार साथियों, आज फिर YouTube के माध्यम से एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे सीमित शब्द भंडार वाले और साहित्य की शून्य समझ रखने वाले व्यक्ति की रचनाओं को भी इतना प्यार दे रहे हैं, और ये आपके प्यार का ही परिणाम है कि मेरा उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। आपने मेरी अब तक की रचनाओं में भी देखा होगा कि अधिकांश रचनाएं अपने सामाजिक वातावरण पर या समाज में घटित होने वाली घटनाओं को आधार बनाकर ही लिखी गई हैं। आज भी मैं एक ऐसे ही विषय पर अपना चिंतन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपके सामने भी ऐसी घटनाएं अक्सर आपके सामने भी आई होंगी देखने सुनने में कि फलां लड़के ने उस लड़की पर एसिड से अटैक कर दिया या गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कारण वो बताते हैं कि जी वो लड़का उस लड़की से प्रेम करता था और लड़की ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो आक्रोशवश उसने ये कदम उठाया। तो ऐसी घटनाएं जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो मन सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या सचमुच ये प्रेम है? प्यार ऐसा ही होता है? जहां तक मेरा मानना है ये तो कतई प्रेम का स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप जिससे प्रेम करो उस पे तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो, ऐसी भावना होनी चाहिए। उससे बदला लेना, उसे हानि पहुंचाना, ये प्रेम की श्रेणी में नहीं आ सकता। वास्तव में मेरी नजर में प्रेम क्या है, यानी अगर मैं प्रेम करूं तो किस रूप में करूं, स्वयं को केंद्र में मानते हुए मैंने यह रचना लिखी है कि प्यार किया है सौदा नहीं, प्यार किया है सौदा नहीं। तो वो याद करे चाहे ना करे, वो याद करे चाहे ना करे, वो बात करे चाहे ना करे, चाहे देख के वो अनदेखा करे चाहे मोहब्बत से इनकार करे, मैंने शर्त कोई रखी ही नहीं, मैंने शर्त कोई रखी ही नहीं कि वो ऐसा करे मैं वैसा करूं, वो ऐसा करे मैं वैसा करूं, वो चाहे मुझे मैं तभी चाहूं। शर्तें सौदे की निशानी है, शर्तें सौदे की निशानी है, मैंने प्यार किया है सौदा नहीं। उनका भी अपना जीवन है, उनका भी अपना जीवन है, उनकी अपनी मजबूरी है, उनका भी अपना जीवन है, उनकी अपनी मजबूरी है, जैसा मैं करूं वो वैसा करें, ये प्यार में कहां जरूरी है। तो कहने की बात ये है कि आप उनसे प्रेम करते हैं ठीक है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपके प्रेम को स्वीकार करे ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता। उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी हो सकती है, उस व्यक्ति की वैचारिक स्थिति ऐसी हो सकती है जो आपसे मेल ना खाती हो, तो हमें उन चीजों के बारे में सोचते हुए जो भी उनका जवाब हो, जैसा भी उनका रिस्पॉन्स हो, उसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, और ये प्रतिशोध रूपी भावना ये प्रेम का स्वरूप तो कतई नहीं हो सकती। धन्यवाद।